हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज के हम दोस्तों बताना दोस्तों कैसे दोस्तों अपने आईकॉन दोस्तों हम गेस्चर नेविगेशन सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं और कैसे सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अब दोस्तों आपको गेस्चर नेविगेशन इनेबल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी आईकॉन के फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो जैसे मैं फ़ोन की सेटिंग को ऑन करूँगा आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आपको लिख लेना है नेविगेशन। दोस्तों यहाँ पर नेविगेशन में सर्च कर लेता हूँ, आपको दीजिए दोस्तों सिस्टम नेविगेशन आपको दी जाएगी, गेस्चर नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन। तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है डायरेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग को ऑन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको गेस्चर नेविगेशन इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों टैप कर देना है, आपको दोस्तों गेस्चर नेविगेशन इनेबल हो जाएगा आईकू के फ़ोन में, आप देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको लेफ्ट साइड से बैक कर सकते हो और दोस्तों ऐसे दोस्तों राइट साइड से, लेफ्ट साइड से आप इसको बैक कर सकते हो, मतलब दोस्तों आपके थ्री बटन वगैरह यहाँ पर शो नहीं होंगे, वो आपके स्क्रीन से हट जाएंगे। तो दोस्तों आप अगर गैस यहाँ सेटिंग में हो आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इसको ऐसे बैक कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो मैं इस तरीके से बैक हो सकता हूँ अपने आईकू के फ़ोन में लेफ्ट और राइट साइड से। दोस्तों अगर आप सेटिंग वगैरह हो, डिस्प्ले सेटिंग में हो यहाँ पर हो और आपको दोस्तों बैक करना है तो आप यहाँ से राइट साइड ऐसे करोगे तो बैक हो जाओगे और लेफ्ट साइड से बैक हो जाओगे। दोस्तों आपको यह क्लोज करना है, आपको इस तरीके से ऐसे करना है और आप इस किसी भी आपको दोस्तों आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके दोस्तों अपने आईकॉन दोस्तों हम गेस्चर नेविगेशन को इनेबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपको उसको डिसेबल करना है, यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आपको दोबारा से क्लिक करना है आपको नेविगेशन पर और दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी जो थ्री बटन नेविगेशन है आपको यहाँ पर शो हो जाती है। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पे थ्री बटन है। अब दोस्तों हम थ्री बटन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बैक बटन और ये होम बटन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एक और एक चीज़ और दोस्तों, और आप इस पर क्लिक करो थ्री बटन नेविगेशन पे और दोस्तों आपको यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करने को भी दिख जाएगा। अब दोस्तों आपको इसको स्टाइल चेंज करना है आइकॉन को तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो और दोस्तों आप इसको भी चेंज कर सकते हो की को। दोस्तों देख सकते हो आप इसको लेफ्ट साइड से आप बैक कर सकते हो अपने आइकॉन के फ़ोन में। दोस्तों अगर आप यहाँ पर हो और आपको बैक करना है आप लेफ्ट साइड से बैक कर सकते हो। इस तरह दोस्तों अपने आईकॉन दोस्तों हम सिस्टम नेविगेशन सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।